दोस्तों आजकल हर कोई व्हाट्सएप को यूज करता है, लेकिन दोस्तों व्हाट्सएप के कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स ट्रिक्स होते हैं जिसको हम में से ज्यादातर 90% लोग नहीं जानते। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसा सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिस टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप जानेंगे यानी कि सीखेंगे तो आपके बहुत ही काम आएगा और आप बहुत ही ज्यादा फायदे में रहेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हाय दोस्तों, मैं हूं कुर्बान अली खान और केके टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, वो चाहे टेक्निकल टिप्स के हो या ट्रिक्स के हो या व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम किसी के भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा और वीडियो बना के आपको प्रोवाइड जरूर करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आपका मोबाइल आपके दोस्त लोग या फिर आपके फैमिली मेंबर कभी कभार लेके यूज करते हैं और इंटरनेट चलाते हैं और आपको डर है कहीं वो लोग आपका व्हाट्सअप ओपन ना कर ले, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपका व्हाट्सअप वो लोग ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज उनके सामने आ जाएगा और वो लोग यहाँ पे सब कुछ देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड जिसके साथ आपने चैट किया होगा, वो चाहे अच्छा हो बुरा हो कुछ भी चैट किया होगा, वो यहाँ पे उन लोगों को दिख जाएगा। तो आप इसी डर से आप सोचते हैं काश ऐसा कोई ट्रिक होता जिसके मदद से आप अपने गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के चैट को छुपा सके, जी हाँ दोस्तों, ताकि कोई भी अगर ओपन करे तो वो देख ना पाए आपने क्या चैट्स किया है, क्या किया है नहीं किया है वो ना देख पाए। अगर आप जानना चाहते हैं वो क्या ट्रिक है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के चैट को हाइड कर पाएंगे यानी कि छुपा पाएंगे। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे सर, दोस्तों बैक चलिए, बैक जाने का तब हम क्या करेंगे दोस्तों, सीधे जाएंगे प्ले स्टोर और वहाँ पे टाइप करेंगे चैट्स फॉर व्हाट्सअप। जी हाँ दोस्तों, चैट लॉक फॉर व्हाट्सअप इस तरह का टाइप करके सर्च कर देंगे। सर्च करने का दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो तीसरे नंबर पे ऐप है अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करके दोस्तों अब हम क्या करेंगे, उसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लेंगे यानी कि इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा, तो वो बोल रहा है एक पासवर्ड क्रिएट करना, तो चलिए कर देते हैं और फिर से चलिए कंफर्म कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह करने के बाद वो बोल रहा है सेटअप करने को, जी हाँ दोस्तों, या फिर वो बोल रहे हैं आप यहाँ पे एक रिकवरी ईमेल डाल सकते हैं ताकि आप जब भी कोई पासवर्ड भूल जाए तो वो आपके ईमेल के मदद से आपको बता देगा। तो चलिए यहाँ पे अपना ईमेल डाल देते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं आप ईमेल नहीं डालना तो आप यहाँ पे स्पीक स्किप कर सकते हैं। तो चलिए मैं डाल देता हूँ सेटअप पे क्लिक करके, और फिर यहाँ सेव पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने का दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा, तो चलिए वो कुछ परमिशन मांग रहा है तो चलिए एनेबल कर देते हैं, यहाँ एनेबल पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने का दोस्तों, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ढूंढेंगे लॉक फॉर व्हाट्सअप चैट ऐप कहाँ है, ये देखिए दोस्तों ये रहा, तो चलिए अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करके यहाँ इसे ऑन कर देंगे और फिर यहाँ ओके कर देंगे। तो दोस्तों ओके करने का हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन पे क्लिक करने का हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने जीएफ या बीएफ का कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मैंने क्लिक किया और ये वहाँ पे लॉक हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का आप किसी को भी लॉक कर सकते हैं। क्लिक करके लॉक हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बैक जाते हैं और व्हाट्सअप पे देखते हैं वहाँ पे उनका चैट लॉक हुआ है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट्सअप को ओपन करेंगे। ओपन करने का तब हम क्या करेंगे, देखिए जिस भी कॉन्टैक्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो ओपन हो जा रहा है, लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं मेरे जीएफ या बीएफ का जो कॉन्टैक्ट है उसको ओपन किया तो देखिए यहाँ पे लॉक आ गया है। तो चलिए इस पर कोड डालते हैं, अगर हम भूल डालेंगे तो ओपन नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए हम भूल डाल रहे हैं इसलिए ओपन नहीं हो रहा है, अगर हम सही डालेंगे तो ओपन होगा, तो चलिए सही डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये ओपन हो गया। तो इसी तरह अगर आप अपने जीएफ या बीएफ का चार्ट पे लॉक लगा देंगे तो उसे कोई भी नहीं खोल सकता, आप बेफिक्र किसी को भी अपना मोबाइल दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था कमाल का ट्रिक, आशा करता हूँ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़